तो विघ्न, वैसे तो विघ्न खेल है लेकिन वो बाद में पता चलता है, विघ्न के समय विघ्न का खेल का पता चलता है। लेकिन अगर हम बार बार फील करें चलो विघ्न आया, उस समय स्थिति के लिए क्या क्या वर्ड क्लियर हो? फर्स्ट ऑफ ऑल विघ्न अनुभवी बनाता है, जितना विघ्नों से अनुभव होता है उतना और किसी से नहीं होता है, होता है ऐसे? तो विघ्न अनुभवी बनाता है, विघ्न पाठ पढ़ाता है, एक्सपीरियंस लेसन लर्न करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, विघ्न जब होता है तब बाबा की याद बहुत अच्छी होती है, बाबा की याद बढ़ाती है, तो कितना फायदा हो जाता है। और वैसे भी जो ड्रामा और बाबा नहीं सिखा सकता है ना, वो विघ्न सिखाता होता है ना बाबा, इसलिए कहते कि बच्चे विघ्न के समय बस केवल क्या याद रखते विघ्न हैं, से या बाबा बाबा से और को जोड़ नजदीक के याद रखते हैं। कहते हैं ना वो स्टोरी थी कि ये दिन भी बीत जाएगा, कितनी फेमस स्टोरी थी ना राजा की, जब भी उसको तावीज में लिखा हुआ था दिस टाइम विल पास। ये पर ये तो सभी को आता है कि ये भी समय चला जाएगा, लेकिन पूरा वो फील करके कभी कभी डिफीट होके उसके बाद याद आता है ये भी ठीक है, ये भी टाइम है चला जाएगा। तो वो एक मजबूरी वाला वर्ड होता है, लेकिन एक संकल्प हो कि नहीं इसमें शक्तिशाली, तो विघ्न मतलब ही याद बढ़ाना आया है। ठीक है चलो बाबा की याद, बाबा याद करा, और होमवर्क के बाबा मेरे साथ है ही, विघ्न आया। साथ वाला बहुत पावरफुल हो ना तो विघ्न भी विघ्न नहीं लगता, एक हौसला होता है, तो ये वाला पुरुषार्थ करते हैं इसका। चलते हैं पहले क्विज करें फिर अनुभव सुने, पहले क्विज कर लेते फास्ट।